हेलो स्टूडेंट, इंजीनियरिंग एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पर आप लोगों का स्वागत है। तो देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जो हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं, कोरोना फॉर्मेशन या कोरोना। देखिए बच्चों, आप ये समझते होंगे कि कोरोना के लिए अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है तो कोरोना के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एक तरह से डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वाला कॉन्सेप्ट। यदि कंडक्टर के बीच में दूरी, कंडक्टर के बीच में दूरी बहुत ज़्यादा है, तो यानी कि कंडक्टर के बीच में दूरी होने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस एट द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर वो बहुत ही कम है, या कह सकते हैं कि ना भी नहीं भी हो सकता। तो अब ये समझने की आपको आवश्यकता है कि इस सिचुएशन में कोरोना फॉर्मेशन नहीं होता। कोरोना की अगर हम बात करें, बहुत बार आप नाइट में अगर ट्रैवल करते होंगे तो जो हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन्स हैं वो आपको लाइट की तरह चमकता हुआ दिखाई देती है। बहुत बार आप स्पार्किंग दिन में भी दिखाई देता है, कई बार ध्यान से देखने पर हिसिंग नॉइज, सांप के जैसे एक नॉइज आपको सुनने को मिलेगी। तो एक नेचुरल एक फिनोमिना है जो एकदम आईज से आप देख सकते हैं। अगर हम कोरोना फॉर्मेशंस की बात करेंगे तो कोरोना फॉर्मेशन देखिए क्या है, आपको कहानी एक सुनना है, समझना है कि जब ये कंडक्टर हवा में प्लेस्ड हैं और इनके बीच की दूरी बहुत अधिक नहीं है, तो अब देखिए हवा में आयन्स अवेलेबल हैं। हवा को ये नहीं कि बस प्योर हवा ही हवा है और आयनाइजेशन नहीं है, तो हवा में डिफरेंट टाइप्स के आयन्स अवेलेबल हैं। जब हम लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस कंडक्टर पर सरफेस पर ज़्यादा है, तो ये सरफेस पर जितना भी आयन्स अवेलेबल हैं उनमें हाई वेलोसिटी प्रोवाइड करता है। और हाई वेलोसिटी प्रोवाइड करने का मतलब है एक आयन से एक इलेक्ट्रॉन टूटेगा, वो आगे दो को तोड़ेगा, चार को तोड़ेगा, कंटिन्यूअस एक फिनोमिना होता है और ये कोरोना कहलाता है। तो कोरोना एक ऐसी चीज़ें हैं कि कोरोना के कारण बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी ट्रांसमिशन लाइन में आते हैं। अगर मेजर ड्रॉबैक की हम बात करेंगे तो वो होता है कि जो पावर का जो लॉस है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पावर लॉस, हीटिंग इफेक्ट तो डेफिनेटली है क्योंकि पावर लॉस है। तो कोरोना से देखिए न्यूमेरिकल भी आने का चांसेज रहता है, लेकिन न्यूमेरिकल ऐसे ही पेपर में आएगा जहाँ पर कैलकुलेटर अलाउ किया गया है। दूसरी चीज, यहाँ से थ्योरी में कई चीज़ें पूछी जाती है, आपको सिर्फ कुछ चीज़ों को याद रखना है। तो जब हम लोग डेफिनेशन की बात करेंगे तो डेफिनेशन क्या होगा, द वॉयलेट ग्लो द फिनोमिना ऑफ वॉयलेट ग्लो हिसिंग नॉइज एंड प्रोडक्शन ऑफ ओजोन गैस इज कॉल्ड कोरोना। क्लियर है? आप देखेंगे कि कोरोना फॉर्मेशन की कहानी तो मैंने बता दिया कि कोरोना किस किस के कारण हो सकता है। तो नेक्स्ट आप लिख सकते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग कोरोना कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो, यानी कि कोरोना जिनसे बन सकता है या अफेक्टेड होता है, फैक्टर अफेक्टिव कोरोना। देखिए जी, सबसे पहले बीमारी तो यही है एटमॉस्फेयर, सबसे पहली चीज़ तो यही है। जैसे हम लोग बात करेंगे एटमॉस्फेयर, तो जो फेयर वेदर होगा उसमें कोरोना कम रहेगा, लेकिन जो स्टॉर्मी वेदर रहेगा उसमें, यानी कि जहां बादल वादल है, बिजली कड़कड़ा रही है, तो वहां पर कोरोना ज़्यादा रहने का चांसेज रहेगा। दूसरी चीज़ है, देखिए शेप ऑफ ए कंडक्टर, अगर आप कहेंगे कि स्मूथ कंडक्टर है तो कोरोना कम, अगर आप कहेंगे कि कंडक्टर का सरफेस खुरदरा है तो कोरोना ज़्यादा होगा। फिर देखिए थर्ड है लाइन वोल्टेज, डेफिनेटली है कम लाइन वोल्टेज पर कोरोना नहीं होगा, लेकिन अगर वोल्टेज लेवल ज़्यादा होगा तो कोरोना होगा। फिर नेक्स्ट रहेगा डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर, यानी कि स्पेसिंग बिटवीन कंडक्टर। नेक्स्ट क्या है, स्पेसिंग बिटवीन कंडक्टर। तो ये कुछ बहुत ही जनरली से कुछ फैक्टर है जिनके कारण कोरोना देखने को मिलता है, जिनके कारण कोरोना देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज। क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज
क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज में हम लोग इसको डिनेट कर रहे हैं वी सी से। ये वो वैल्यू है, वो वोल्टेज लेवल है, किस में बात कर रहे हैं हम लोग बेटा, फेज में। बस चीजों को ध्यान से सुनता जाना है आपको। ये वो फेज वोल्टेज है जिस पर कोरोना बनना शुरू होता है। इट इज ए, ये कई बार पूछता है, इट इज ए मिनिमम वोल्टेज, इट इज ए मिनिमम फेज वोल्टेज, मिनिमम फेज वोल्टेज एट विच कोरोना फॉर्मेशन स्टार्ट, यानी कि कोरोना बनना शुरू होता है, कोरोना फॉर्मेशन स्टार्ट। तो ये एक ऐसी वोल्टेज है जहाँ मिनिमम फेज वोल्टेज एट विच कोरोना फॉर्मेशन स्टार्ट, यानी कि फॉर्म होना स्टार्ट होता है। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने एक फॉर्मूला लिखा है ऑलरेडी, बेसिक इलेक्ट्रिकल में मैंने बताया था, जी बराबर वी अपॉन आर लॉग ई डी बाई आर। ये क्या है बच्चों? डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ये कुछ और नहीं, ये कहलाता है डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। और देखिए पावर सिस्टम में डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। फिर यहाँ ये भी दिमाग में रखना है कि ये क्या है, फेज वोल्टेज है। और यहाँ पे हमने कहा है कि देखिए आर कंडक्टर का दूरी है ना, आर कंडक्टर के रेडियस है और डी इसके बीच में दूरी है। तो इसके लिए हम लोगों ने लिया है जी बराबर वी अपॉन आर लॉग ए डी बाई आर। अगर हम हवा में बात करते हैं इन एयर, क्योंकि ये कंडक्टर हवा में प्लेस्ड हैं, इन एयर जी नॉट की जब हम बात करते हैं, यानी कि हवा में डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 30 केवी पर सेंटीमीटर किस में आता है? मैक्सिमम के लिए। ये आता है पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू के लिए। तो हवा के डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ये है, क्योंकि हम लोग एयर में बात कर रहे हैं। तो यहां से V जो वोल्टेज है, ये कहा हमने क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज। तो G नॉट बराबर VC अपॉन R log E D by R। अगर हम लोग यहां से चलें तो VC बराबर G नॉट R log E D by R आपको प्राप्त हो जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। देखिए ये फॉर्मूला हमारा होता है वैलिड कब? एट 76 सेंटीमीटर प्रेशर, इस पर ये वैलिड है। दूसरा 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, इस पर ये वैलिड है। अगर इससे कुछ चीजें चेंजेस बच्चों कर दें तो यहां पर आएगा एयर डेंसिटी फैक्टर, यहां पर आ जाएगा एयर डेंसिटी फैक्टर जिसे हम कहेंगे डेल। तो इसका वैल्यू होगा 3.92 बी अपॉन 273 प्लस में टी। तो हमें डेल का वैल्यू ये मार्क करेंगे। फिर देखिए हमें प्राप्त होता है VC बराबर G नॉट डेल नॉट R log E D by R। अब देखिए ये फॉर्मूला हमारा वैलिड होता है स्मूथ कंडक्टर के लिए, जिसका सरफेस जो है एकदम क्लीन है, एकदम स्मूथ कंडक्टर है, यानी कि एकदम पॉलिश्ड हुआ हुआ है। अगर M हमारे लिए, यहाँ पर एक टर्म हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है M नॉट, जिसे हम लोगों ने कहा है इरेगुलरिटी फैक्टर, जिसे हम लोगों ने कहा है इरेगुलरिटी फैक्टर। तो इरेगुलरिटी फैक्टर का भी इसमें रोल होता है। तो M नॉट का वैल्यू हम लोग लेते हैं 1, किसके लिए? पॉलिश्ड कंडक्टर के लिए। यहां लेते हैं हम लोग पॉलिश्ड कंडक्टर के लिए। फिर देखना है M नॉट बराबर हम लोग लेते हैं 0.95, एक रेंज है। जैसे क्या आपको बताया कि जब कंडक्टर गंदा हो, यानी कि एक डर्टी कंडक्टर की जब कैटेगरी हो, तो आप ले लेते हैं ये 0.9 से लेकर ऐसे ले लीजिए 0.92, 0.98 फॉर डर्टी कंडक्टर। अब क्या ले रहे हो आप? डर्टी कंडक्टर। M नॉट का जो वैल्यू है 0.85 के लगभग आप लिख लीजिए स्ट्रेंडेड कंडक्टर। तो ये फैक्टर भी इसमें, इरेगुलरिटी फैक्टर भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये फॉर्मूला हमें मिल जाता है VC बराबर G नॉट डेल नॉट, चलिए ये लिख लीजिए G नॉट M नॉट डेल नॉट R log E D by R। ये फॉर्मूला आपको डायरेक्टली मिल गया क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज के लिए। और ये दिमाग में रखना है कि ये कुछ और नहीं केवी पर फेज में है, हम लोगों ने पूरी कैलकुलेशन किया है पर फेज में। अब देखिए ये चीजें बहुत ही डिटेल में ऑलरेडी मैं पावर सिस्टम में डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन आज बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। हम लोग देख रहे हैं यहां कोरोना क्या है।
तो कोरोना आप लोगों ने ट्रांसमिशन लाइन में कई बार अपनी आंखों से देखा होगा, कई बार आपने ट्रैवल अगर कर रहे हैं तो रात को आपके आसपास में कोई हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन है तो उसमें आप कोरोना को आसानी से देख सकते हैं, लेकिन लो वोल्टेज पे आप नहीं देख पाएंगे, हाई वोल्टेज पर ये विजिबल है। तो द फिनोमेना ऑफ वायलेट ग्लो, हिसिंग नॉइज एंड प्रोडक्शन ऑफ ओजोन गैस इज कॉल्ड कोरोना। ये कुछ फैक्टर है। एटमोस्फेरिक कंडीशन भी रेस्पॉन्सिबल है, शेप ऑफ ए कंडक्टर भी रेस्पॉन्सिबल है, फिर लाइन वोल्टेज भी जिम्मेदार है, स्पेसिंग बिटवीन कंडक्टर भी जिम्मेदार है। क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज वो वोल्टेज लेवल है जिस पर आकर कोरोना बनना शुरू होता है। तो देखिए हमने लिखा है इट इज अ मिनिमम फेज वोल्टेज एट विच कोरोना फॉर्मेशन स्टार्ट या कोरोना फॉर्म। तो G बराबर V अपॉन R लोग D बाय R। देखिए R हमारे लिए रेडियस है और D दोनों कंडक्टर के बीच की दूरी है। अब हवा के लिए जब हम बात करते हैं तो डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है 30 kV पर सेंटीमीटर मैक्सिमम में। अगर RMS की बात करेंगे तो 21.2 आपको RMS वैल्यू मिलेगा। फिर V को हमने क्या मार्क कर दिया कि क्रिटिकल वोल्टेज के लिए हम लिखना चाह रहे हैं, तो G नोट बराबर V C, V C का वैल्यू ये मिला। ये वैलिड है 76 सेंटीमीटर प्रेशर पर और 25 डिग्री सेंटीमीटर कहां टेम्परेचर पर। फिर हमने देखा कि डेंसिटी फैक्टर इसके लिए इंट्रोड्यूस करा दिया। बहुत बार पेपर जब आसान बनता है तो आपसे डायरेक्टली डेंसिटी फैक्टर भी पूछा जाता है 3.92 बी अपॉन 273 प्लस टी। फिर देखिए ये इरेगुलरिटी फैक्टर, तो इरेगुलरिटी फैक्टर अगर हमको एकदम पॉलिश टू हो रखा है कंडक्टर, एकदम बढ़िया है कंडक्टर, तो आप वन लेते हो, अदरवाइज आप डर्टी कंडक्टर हो या फिर स्टैंडर्ड कंडक्टर हो तो उसके हिसाब से आप अलग अलग वैल्यू को लेते हैं। ज्यादातर अगर न्यूमेरिकल पूछेगा तो एग्जामिनर यहां पर आपको वैल्यू देगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज की तरफ, विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज की ओर चलते हैं। चलिए स्टूडेंट, तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहां पर नेक्स्ट, चलिए विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज, विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज। विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज देखिए बच्चों ये कौन सी वोल्टेज लेवल है। इट इज ए मिनिमम वोल्टेज, इट इज ए मिनिमम वोल्टेज, मिनिमम वोल्टेज एट विच कोरोना विजिबल, कोरोना विजिबल, जब कोरोना विजुलाइज्ड हो जाए या कोरोना विजिबल हो जाए, दिखना शुरू हो जाए। तो जब हम क्रिटिकल वोल्टेज की बात कर रहे हैं, विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज, तो वी यू बराबर एम वी, मतलब यही है बस, जी नॉट डेल नॉट आर वन प्लस 0.3 अंडर रूट डेल नॉट आर, और यहां मिलता है आपको log e d by r kV पर फेज। ये फॉर्मूला यहां पर बन जाता है विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज के लिए। ये फॉर्मूला आपको मिलेगा विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज के लिए। बहुत ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये नहीं है, एग्जाम में सिर्फ तब आएगा जब सिर्फ इसको फॉर्मूला आपको दिया जाए और कहा जाए कि विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज का फॉर्मूला क्या है। कोई चांस नहीं है न्यूमेरिकल आने का, कोई भी चांस नहीं है यहां से न्यूमेरिकल रहने का। नेक्स्ट देखिए हम लोग देखते हैं कि कोरोना किसके लिए, देखिए कोरोना से क्या होता है, तो कोरोना से पावर लॉस भी बच्चों होता है। तो देखिए पावर लॉस के, पावर लॉस के यहां दो फॉर्मूले हैं, दोनों फॉर्मूले की अगर हम बात करें, एक दिया है बच्चों यहां पीक्स ने, एक को का नाम देते हैं हम लोग पीक्स फॉर्मूला और दूसरे को नाम देते हैं हम लोग फिर पीटरसन्स फॉर्मूला, दूसरे को नाम देते हैं हम लोग पीटरसन्स फॉर्मूला। तो ये दिमाग में रखिएगा कि जब हम बात कर रहे हैं पीक्स फॉर्मूले की, पीक्स फॉर्मूला, तो पहले हम लोग लिखते हैं फॉर फेयर वेदर, यानी कि साफ स्वच्छ मौसम में, फेयर फेयर वेदर के लिए। तो फेयर वेदर के लिए P बराबर, देखिए फॉर्मूला बहुत अच्छा है, 242.2 242.2
एफ प्लस 25 अपॉन डेल, फिर आप लिखने वाले हैं अंडर रूट आर अपॉन डी वी माइनस वी सी का स्क्वायर इंटू 10^-5 किलोवाट पर किलोमीटर पर फेज। क्लियर, ये क्या है? क्रिटिकल वोल्टेज, क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज। फिर इसी में देखिए फोर स्टॉर्मी वेदर, फोर स्टॉर्मी वेदर। स्टॉर्मी वेदर का मतलब देखिए, ये बुक्स में थोड़ा कम दिया हुआ है इस बारे में, लेकिन ये पेपर में पूछा जा चुका है, अब मे भी आपसे पूछा जाए स्टॉर्मी वेदर के लिए। तो स्टॉर्मी वेदर का जो फॉर्मूला है ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको दिमाग में रखना है। फोर स्टॉर्मी वेदर देखिए, पी बराबर हो जाता है 224.5 एफ प्लस 25 अपॉन डेल अंडर रूट आर अपॉन डी, यहां ध्यान देंगे वी माइनस 0.8 वी सी का स्क्वायर इंटू 10^-5 किलोवाट पर किलोमीटर पर फेज। ये भी फॉर्मूला बेटा यहां से इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये दोनों फॉर्मूले कहलाते हैं पीक्स फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूले कहलाते हैं पीक्स फॉर्मूला। फिर देखिए, अगर हम लोग बात करें कि वोल्टेज लेवल कम है, अगर हम लोग बात करें कि वोल्टेज लेवल कम है, तो ये वोल्टेज लेवल कम के लिए बहुत अच्छे फॉर्मूले नहीं माने जाते, ये वोल्टेज कम के लिए बहुत अच्छे फॉर्मूले नहीं माने जाते। तो देखिए, जब हम लोग बात चलते करते हैं फॉर लो वोल्टेज, फॉर लो वोल्टेज, तो लो वोल्टेज के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं भैया पीटरसन्स फॉर्मूला, हम लोग अप्लाई करते हैं पीटरसन्स फॉर्मूला। तो पीटरसन्स फॉर्मूला आपको एक अच्छा रिजल्ट देके क्या देता है, P बराबर 21.10^-6 एफ वी स्क्वायर लॉग 10 कैपिटल डी, या सॉरी डी अपॉन आर इंटू एफ। अब देखिए, ये एफ कुछ और नहीं है, एफ यहां रिप्रेजेंट करता है वी अपॉन वी सी को, एफ रिप्रेजेंट करता है वी अपॉन वी सी को। तो देखिए, ये फॉर्मूला कहलाता है यहां पर लो वोल्टेज लेवल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये कहलाता है यहां पर पीटरसन्स फॉर्मूला, ये कहलाता है पीटरसन्स फॉर्मूला। यहां ये ध्यान देने की जरूरत है, देखिए ये आपकी बुक्स में मे भी शायद ना दिया गया हो, लेकिन ये भी फॉर्मूला आपसे आ सकता है, रेलवे जैसे एग्जाम में सरप्राइज कर सकता है, लेकिन ज्यादातर चांसेस रहता है इसी का। फिर आप ये ध्यान दीजिएगा कि हमें ये पता है कि वी माइनस वी सी, अब चलिए वीसी के और चलिए इन्हीं फॉर्मूले को लेकर अब थोड़ा सा एनालिसिस करिएगा। अगर आपको ये कहा जाए कि यहां से अगर हम रेडियस बढ़ा दें, समझिए बात को, अगर हम रेडियस बढ़ा दें तो रेडियस बढ़ाने का मतलब है वीसी, फॉर्मूला क्या था, वीसी बराबर एम नॉट जी नॉट डेल नॉट आर लॉग ए डी बाई आर, ये फॉर्मूला होता है। तो अगर आप रेडियस इंक्रीज करेंगे, यानी कि वी सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, अगर आप भैया यहां रेडियस को इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये दिमाग में रखिए वी सी का मान भी बढ़ेगा, और वी सी का मान अगर बढ़ेगा तो वी सी ज्यादा होना अच्छा है। कुल मिलाकर अगर क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज आपको कोई कहे 15 kV है, कोई कहे 30 kV है, कोई कहे 40 kV है, कोई कहे 50 kV है, तो हम कहेंगे अगर 50 है तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है कि अगर वीसी का मान आपको ये दिया जाए तो इसका मतलब है कि कोरोना 15 kV पर बनना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि एक बेकार फिनोमिना है। अगर कोई इसका वैल्यू आपको 30 दे रहा है तो इट मीन्स कोरोना आपका 30 पर बनना शुरू होगा, अगर इसका वैल्यू है आपका 40 तो 40 और 50 है तो 50, यानी कि वीसी का मान जितना हाई होगा उतना अच्छा है। फिर वीसी का वैल्यू जितना हाई होता है, यहां पर आ जाइए माइनस के वीसी स्क्वायर, तो ये वैल्यू माइनस को अगर आप ज्यादा वैल्यू को माइनस करेंगे तो पी यानी कि कोरोना लॉस का वैल्यू आपका कम आएगा। फिर ये देखिए, आपसे कई बार एल्यूमिनियम और कॉपर की बात करते हैं, तो एल्यूमिनियम में हमें पता है एल्यूमिनियम के लिए रेडियस ज्यादा होती है, ये हमने ले लिया R1 और ये ले लिया हमने R2। तो देखिए, ये लिखा है हमने एल्यूमिनियम के लिए, ये लिया है एल्यूमिनियम के लिए, और ये सेलेक्ट किया है हमने कॉपर के लिए। तो यहाँ R1 ग्रेटर देन R2 है,
तो भैया एल्युमिनियम के लिए कोरोना लॉस कम होगा, एल्युमिनियम के लिए कोरोना लॉस इज लेस यहां पर कम आएगा, और यहां पर कोरोना लॉस इज हाई, कोरोना लॉस यहां पर हाई रहने वाला है, कोरोना लॉस यहां पर हाई होगा। तो ये एनालिसिस भी हमने देखा है। फिर आपको क्लियरली ये ध्यान देने की जरूरत है, आपको कई बार न्यूमेरिकल आएगा कि 30 पर इतना है, 40 पर इतना है, या 60 पर बताइए, इस तरह का आपको न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो आपको यहां पर फोकस करना है कि कॉपर एल्यूमिनियम के बाद में यहां पर चलना है आपको कि कोरोना लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ प्लस 25, एफ प्लस 25 आपको इससे यूज करना है। मैंने ऑलरेडी जो टेस्ट पेपर आपके लिए दिया है उसमें इस पर आधारित मैंने न्यूमेरिकल लिया है, उस पर आधारित यहां न्यूमेरिकल लिया है। तो ये हो जाते हैं हमारे कोरोना पावर लॉस के लिए फॉर्मूला। आप आते हैं कुछ थ्योरी पर। चलिए बच्चों, तो देखिए ये सब एनालिसिस करने के बाद चलते हैं एडवांटेज ऑफ कोरोना। तो कोरोना के दो एडवांटेज भी होते हैं, देखिए क्या। सबसे पहले तो ये एडवांटेज को याद रखिएगा, इट रिड्यूस द, भैया ये तो बहुत फेवरेट है एग्जामिनर का, बहुत इंपॉर्टेंट है, इट रिड्यूस द स्टिफनेस ऑफ सर्ज, इट रिड्यूस द स्टिफनेस ऑफ सर्ज, याद रखिएगा पॉइंट को। फिर देखिएगा ड्यू टू द कोरोना द इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन एरिया इज इंक्रीज, द इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन एरिया, द इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन एरिया इज इंक्रीज्ड, इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन एरिया यहां से इंक्रीज्ड हो जाता है। सो डायलेक्ट्रिक स्ट्रेस, सो डायलेक्ट्रिक स्ट्रेस रिड्यूस्ड। फिर आ जाते हैं एडवांटेज है, फिर नेक्स्ट चलते हैं हम लोग डिसएडवांटेज पर। तो डिसएडवांटेज तो कोई देखिए कितने हैं, नंबर वन पे क्या है, पावर लॉस। नेक्स्ट पर आ जाइए कोरोना, यानी कि ओजोन प्रोडक्शन। अभी तो डिसएडवांटेज ही है एप्लीकेशन में, भले ही ओजोन इंडस्ट्री में हम यूज करते हो। नेक्स्ट क्या है, इंटरफेरेंस विद नियर बाई कम्युनिकेशन लाइन, नियर बाई कम्युनिकेशन लाइन। फिर देखिए कोरोना करंट जो है, कोरोना यानी कि करंट ड्यू टू कोरोना, ये पॉइंट को याद रखिएगा, करंट ड्यू टू कोरोना हैविंग नन साइनसोडल बिहेवियर, किस तरह का है, नन साइनसोडल बिहेवियर है। नेक्स्ट आ जाइए हम लोग देखते हैं एप्लीकेशन। तो नेक्स्ट देखिए एप्लीकेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, एप्लीकेशन में एक तो होता है ओजोन इंडस्ट्री में, दूसरा याद करिए ओजोन इंडस्ट्री के साथ साथ, ओजोन इंडस्ट्री में हो गया, फिर रहता है सेफ्टी वॉल्व में। फिर देखिए रिड्यूस्ड कोरोना को कैसे हम लोग करते हैं, फोर अल्ट्रा हाई वोल्टेज में हम यूज करते हैं भैया होलो कंडक्टर को। फिर देखिए एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज में हम यूज करते हैं बंडल कंडक्टर को, और भैया हाई वोल्टेज में हम यूज करते हैं कंपोजिट कंडक्टर को। तो भैया इतना पढ़ लीजिएगा, आपके पेपर में आना होगा, तो यहीं से आपको मिल जाएगा।